अबीमरम बसमैम फ्रेंड उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके कर आपसे खदमत हूँ तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक आई पैड है रिपेयर के लिए ठीक है जी ये आई पैड का हमने डिजिटाइज़र को चेंज करना है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को टकनी हो रेवल को सब्सक्राइब करना होगा भूडियो लाइक करें शेयर करें वीडियो को अंट तक देखें बेलाइकन को जरूर दबाएँ ताकि आपको इन्फार्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें अच्छा वीडियो करते हैं स्टार्ट बस अम अच्छा ये जो ऊपर आपने देखा है ये मैंने इसके ऊपर टेबल लगाई हुई है क्योंकि ये डिजिटाइज़र जो है वो काफ़ी डैमेज था ऊपर से उसका जो ग्लास होता है तो उसके काफ़ी टाइनी जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो वो अगर आपको चुप जाएँ तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको करना वो ताकि आपको नुकसान ना पहुँचाएँ तो ये मैंने इसको जी हीट पर रखा मैंने हीट गन यूज़ की मैंने हीट प्लेट यूज़ की उसके बावजूद ये बड़ी मुश्किल से होती है ठीक है तो वो प्रोसीजर मैं आपको ना नहीं दिखा सका ठीक है सिर्फ अभी हम इससे अगला जो प्रोसीजर है वो आपको मैं दिखाऊंगा आपने इसको हीट प्लेट पे हीट गन से भी आप कर सकते हैं मगर हीट गन में आपने लो हीट पे इसको आपने इसकी बिल्कुल जो साइड्स हैं उनको आपने हीटअप करना है क्योंकि इसकी साइड पे आ, मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको हीट प्लेट पे किया है कम से कम भी टेन टू फिफ्टीन मिनट्स मगर आप जब आप हीट गन यूज़ करें तो आप इसको बड़ी लो हीट पे बड़े आराम से तरीके से करें और उसको जो है ये स्पजर स्पजर को यूज़ करें और जो प्लास्टिक टूल्स हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसके जो होम बटन है उसके साथ ही जो एंटीना केबल है एंटीना की जो 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 कनेक्शन है जो केबल्स है वो लगी हुई हैं वो बड़ी डैमेज होने का खतरा होता है और आपकी राइट साइड पर ही सॉरी यह राइट right साइड पे ही इसकी वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन होता है वो भी डैमेज होने का ख़तरा होता है तो बहुत आराम से एहतियात से इसको खोलना है और जो इसकी फ्रंट पे फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है ठीक है उसकी भी केबल्स गुजरी होती है तो हमने बड़े आराम से तरीके से खोलना होता है तो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखा सका नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियोस में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसको कैसे हम इसको सेपरेट करते हैं तो अभी हमने इसको हीट प्लेट पे इसको गर्म कर लिया ठीक है और इसकी ग्लू को बिल्कुल करके नरम करके हमने इसको सेपरेट कर लिया इसकी जो डिजिटाइज़र है ये मैं अभी आपके सामने खोलूँगा ये देखें ये डिटाइजर मैंने इसका बिल्कुल सेपरेट कर लिया आ, मैं आपको इसका सारा कुछ डिटेल वही बताता हूँ ये हमने डिटाइजर को सेपरेट कर लिया ये टेप लगाने का मकसद ये था कि मैंने जैसे आपको बताया कि टानी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो आपके हाथ में चुप सकते हैं और आपको नुकसान दे सकते हैं तो आपने बड़े तरीके से इसके ऊपर टेप यूज़ कर लें जो मैंने ये पैकिंग टेप है ये यूज़ किया आप इसकाच टेप भी यूज़ कर सकते हैं और भी दूसरी टेप्स हैं ताकि आपको कोई चीज़ इसको नुकसान ना आपको हो जाए ठीक है जी अच्छा ये जी आ, मैंने आपको बताया था कि ये वाईफाई एंटीना केबल है ठीक है जी और ये ऊपर उसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ये उसकी केबल है उसको डैमेज होने का खतरा होता है और साथ ही ये पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन के ये कीज जो हैं उसके केबल्स हैं अच्छा अब ये हम इसके जो फ्रो फोर स्क्रूज़ हैं उसको खोलेंगे ठीक है ये वन टू थ्री एंड फोर उसके बाद हम इसको डिजिटाइज़र को और एलसीडी को हम अलग कर लेंगे उसके बाद हम डिजिटाइज़र जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे एलसीडी को साफ़ करेंगे वो सारा मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा मेरे साथ जुड़ी रहेगा ठीक है अभी हम जो है सिर्फ खोलेंगे इसकी जो फ्रंट के जो स्क्रूज़ हैं उसको हम खोलते हैं जो इसके क्या नाम है जो मैं आपको कह रहा था कि इसके जो जो डिजिटाइज़र है उसको बड़े अतिहाव से खोलना होता है ये क्योंकि इसके नीचे जो मैंने आपको बताया है, केबल्स हैं तो फिर अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर आपको आप ही को नुकसान है तो उसको बड़े प्यार से तरीके से खोलने का तरीका है ठीक है जी आप उसको हीट गन को यूज़ कर लें अगर आपको हीट गन को यूज़ करना चाहते हैं हीट गन को यूज़ करें लो उसकी हीट पे, ठीक है और फिर आप इसको आप करें अच्छा ये हमने चारों इसके खोल लिए हैं ठीक है जी अब हम स्पजर को यूज़ करते हुए बुक टाइप ही इसको एल को हमने खोलना है ठीक है जी यहाँ से आप उठाएं इसको ये अभी ज़रा टेप लगी हुई है इसको मैं रिमूव करना था ये मैंने लगाई थी इस वजह से ही ताकि इसके ऊपर जो टानी पर टहनी जो टी पार्टिकल्स वगैरह छोटे छोटे जो हैं पार्ट्स हैं वो नुकसान नए तो इस चीज़ का एहतियात करें अपने साथ जब रिपेयर करने लगे क्योंकि ये जो है ये बड़ा ही क्या नाम है ये आपको नुकसान भी दे सकता है तो इस वक्त जो है ये कहाँ से आ रहा है इसको हम अभी देखते हैं ये जी इधर से आ रहा है ठीक है ये अब हम देखते हैं ये हमने स्क्रू निकाल दिया इसका जी ठीक है अब आपने स्पजर को यूज़ करना है प्लास्टिक स्पजर और इसके साथ बड़े प्यार के साथ एल को उठाना है ये देखें आप ये बुक की तरह आपने इसको साइड पर कर लेना है क्योंकि इसकी एल काम कर रही है वर्क कर रही है सिर्फ हमने जो है जो इसका डिजिटाइज़र है उसको चेंज करना है अच्छा एल की जो केबल आ रही है वो ये आ रही है तो हम इसको सेपरेट करेंगे ठीक है जी ये लॉक सिस्टम होता है तो लॉक सिस्टम के लिए आपको जो है ना वो स्पर्जर को यूज़ करना है ठीक है तो आप स्पर्जर को जब यूज़ करेंगे तो ये लॉक खोल के आपने इसको केबल को बाहर निकालना है और उसके बाद आपने इसको सेपरेट करके साफ़ करेंगे वो सारा प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ मैं अच्छा अब हम इस एल को हम सेपरेट करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसको सेपरेट कैसे करना है इसका लॉक सिस्टम होता है आपने इसके दरमियान वाले हिस्से को नहीं छेड़ना ठीक है ये जो दरमियान गोल्ड प्लेटेड जगह है इसको बिल्कुल नहीं हाथ लगाना इसके नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा एक एक जो है वो क्लिप सा नज़र आ रहा होगा आप उस क्लिप को आपने सिर्फ उसको ऊपर की तरफ उठाना है वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आप आप उसको भी कर सकते हैं मगर आपको मैं प्लास्टिक स्पर्जर का ही मशवरा दूंगा कि आप उसके साथ ही करें ठीक है आपने इसको राइट कॉर्नर से उठाना है ये ये देखा आप ये ऊपर आ गई है इसकी स्लाइड ठीक है अब आपने इसको ऊपर करना है और जस्ट आपने इसकी केबल को बाहर निकाल देना है ये देखिए ये केबल बाहर आ गई ये एल को हमने सेपरेट कर लिया जी आपके सामने लॉक सिस्टम को देख लिया आपने अच्छे तरीके से अब आपको डिजिटाइज़र को मैं बिल्कुल सेपरेट करने का बिल्कुल तरीका बताता हूँ उसके बाद हमने यहाँ डिजिटाइज़र डालेंगे और इसको असेंबल कर देंगे ठीक है अच्छा स्क्रीन को हमने सेपरेट कर लिया अब हमने ए, मैंने एक चीज़ बोल गया था जो मैं आपको बताना कि सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना होता है कोई भी आपकी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक है आपने उसकी बैटरी को सबसे पहले सेपरेट करना है उसको डिस्कनेक्ट करना है ताकि कोई ऐसी डैमेज ना हो ठीक है अगर आप कोई आप यूज भी कर रहे हैं अगर कोई लोहे यानी मेटल की चीज तो वो कोई सर्किट जो है ना वो उसमें ना हो ठीक है जी तो आपने क्या करना है आपने इसको डिसकनेक्ट कर देना अच्छा अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया अब हमने डिजिटाइजर को डिसकनेक्ट करना है तो ये बिल्कुल आपने देखना है कि ये जो जो इससे कनेक्टर है इसकी ऊपर उप, की जो जो इसकी जो सतह है उसकी ऊपर एक प्लेट सी है उसको आपने ऊपर कर देना ठीक है, है? स्पर्जर को यूज़ करते हुए ठीक है और उसके बाद ये आपका डिजिटाइज़र बाहर आ जाएगा जस्ट आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और ये ये देखिए जी आपका डिजिटाइज़र बाहर आ गया ठीक है जी बहुत इजी है थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में के कोई प्रॉब्लम ना हो ये डिजिटाइज़र जो बिल्कुल ख़राब था जिसको मैंने बड़ी टेप टूप लगा के इसको हीट प्लेट पे गर्म किया मैं हीट प्लेट का ज़्यादा यूज़ करता हूँ ठीक है आप हीट गन भी यूज़ कर सकते हैं लो हीट पे ठीक है उसके बाद अब हम नया डिजिटाइज़र डालते हैं और उसके बाद इसकी एल को बैठाते हैं और आपको अगला प्रोसीजर दिखाते हैं जी सर तो अब हम जो है ये मेरे पास डिजिटाइज़र आ गया नया वाला ये बिल्कुल पिन पैक है इसको अभी हम खोलेंगे अच्छा अब हम करेंगे इसको क्लीन ठीक है तो अभी मैंने आपको बताना था बल्कि मैं आपको बता नहीं सका ये प्लास्टिक की जो स्ट्रिप्स होती हैं ये हमारे पास फ़्रेम आता है जब हम नहीं इसमें से निकलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे हमने करना है ये फ्रेम भी इसमें से, से मैंने क्लीन करते हुए तो अभी मैंने थोड़ा सा क्लीन किया था तो अब मैं आपको प्रॉपर क्लीन करना आपको सिखाता हूँ अच्छा सबसे पहले तो आपने करना है कि आपने दो चीज़ें ले लेनी है ठीक है एक ओपनिंग टूल और एक ये आपने स्क्रू ड्राइवर लेना है जो आ, बिल्कुल सीधा हो ठीक है छोटे वाला अब आपने क्या करना है इसके जितने भी एजिज़ हैं उसके ऊपर ये देखें आपके सामने ये जो आपको नज़र आ रहा है गंदगी सी और ये इसका जो स्टिकर वगैरह है उसको आपने रिमूव करना है इसके साथ ताकि कोई जब हम ग्लू लगाएं तो हमें लगी होती है वो बड़ी टाइनी होती और वो अगर हम ना उतारे तो जो हम इसको ग्लू लगाएंगे तो स्क्रीन इस पर डिजिटाइजर पे सही तरीके बैठे से बैठेगा नहीं जिससे फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता या आप अपनी भी चीज कर रहे हैं तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो लिहाजा हमें इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके साइडों से ठीक है बड़े एहतियात से करना है कोई ऐसी जल्दी नहीं है ठीक है ये देखें ये आपके सामने ब्लू तली है ये स्टिकर टाइप से है चीज़ ये देखें ये हमने तानी है बहुत अच्छे तरीके से ताकि इस पर डिजिटाइजर जो है ना वो हमें प्रॉब्लम ना आए और हम बिल्कुल ठीक तरीके थीक से इसको बैठा लें डैमेज ना हो कोई चीज़ उससे बस एहतियाज रखें ठीक है इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से बड़े प्यार से करना है मैं आपको फिर बता रहा हूँ इत्यास से करना है और कोई ऐसा क्या नाम है छोटा सा भी कोई ग्लास का कुछ लगा हुआ है अगर पीस भी उसको भी उतार लें ठीक है हर चीज़ को आप चेक करके आपने इसको करना है अभी आपके सामने मैं साफ कर रहा हूँ तो आप देख लें कि कितना इस पर से जो ग्लू है वो निकल रही है ठीक है इसको साफ़ करना है जी हमने इसको क्लियर कर लिया ठीक है अब हम इसको ब्रिश के साथ बिल्कुल थोड़ा सा साफ करेंगे और अब इसके साथ मज़ीद कैसे साफ़ करना है वो भी बताता हूँ क्योंकि तो इसका जो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है अगर ये साफ़ नहीं होगा मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तो फिर आपकी एल और वो एल तो बैठ जाएगी सोरी आपका जो, जो डिजिटाइज़र है वो सही नहीं बैठेगा तो आपको इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ठीक है ये जो ग्लू अभी लगी है इसको भी हम रिमूव करते हैं अभी आपको मतलब ये देखें ये आपके सामने सारा पड़ा हुआ है अभी जो इसके अंदर जो मैंने रबर इसको रिमूव किया अच्छा अब हम क्या करेंगे अब हम आपको बताते हैं कि आप मज़ीद इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर होता है ये होता है जी अल्कोहल एल्कोहलिक और थिनर टाइप होता है आप ब्रश लेके इसमें लगाएं दीगे दीगे। अब हमने इसको फेरना है इसको एक बर, इसकी ऊपर इसकी साइडों पे आप फेरे अच्छे तरीके से थोड़ा सा ले, ले, ले इसको इसको साफ करके अब हम एक ये कपड़ा ले, ले लेते हैं इससे हम इसको हल्का हल्का सा रिमूव करें साफ करते हैं ये हमने इसको साफ़ कर लिया ठीक है थी। ये आपके सामने नीट एंड क्लीन साफ़ हो गया ये ठीक है अब हम अगला प्रोसेज प्रोसीजर ये करेंगे जो अगला प्रोसीजर ये होगा कि इसको हम असेंबल करेंगे दोबारा और अभी ये आपके सामने मैं ये खोलता हूँ इसका जो डिजिटाइज़र है वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से बिल्कुल पैकिंग में आया था साइड भी खी ये है जी डिजिटाइजर ठीक है जी कपड़े प्यार से तार और हमें कुछ ज़्यादा करने की कोशिश ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ वो लगा आया सब कुछ ठीक है जी हमने सिर्फ इसके स्टिकर मूव करने और जैसे हमने इसको प्लेस कर देना है इसके ऊपर चलें तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी मगर इसके साथ इन्होंने ये स्टिकर दी हैं अब ये स्टिकर को हम देखेंगे इसको हमने कैसे अप्लाई करना है तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये डिजिटाइज़र हमने अनबॉक्स कर लिया आपके सामने ठीक है जी अब ये नया डिजिटाइज़र है अब सबसे पहले हम डिजिटाइज़र को लगाएंगे उसके बाद एलसीडी को उठाएँगे अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये जो इसके बेजल्स होते हैं इसका ख़ास ख्याल रखना है ये बेजल्स आपके टूटे ना क्योंकि इसके ऊपर ही डिजिटाइज़र ने बैठना है ये बिल्कुल ब्लैक रंग के आपको नज़र आ रही होगी लाइन सी इसको आपने जो है ना इसका ख़ास ख्याल रखना है इसको भी डैमेज ना हो ठीक है अब सबसे पहले हम डिजिटाइज़र को बिठाएंगे इसके जब अंदर चली जाए केबल्स और वो क्लिक हो जाए तो हमने इसके लॉक ऑफ कर देने हैं ये हमने लॉक ऑफ कर दिया और ये हमने इसका भी लॉक ऑफ कर दिया ओके नो अब हम करेंगे एलसीडी को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ठीक है एलसीडी को मैंने सेपरेट रखा हुआ था बड़े एहतियात से अभी इसको हम साफ़ करना भी आपको बताएंगे इसको साफ़ कैसे करना है आ गई जी एल सी डी ठीक है एल सी डी को भी बड़े प्यार से आपने ऐसे रखना ठीक है और इसको भी हम बड़े ही प्यार से बैठाएंगे ये जो क्लिप है इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा एल सी तरफ को इसके लिए हमें ट्वीज़र की जरूरत पड़ेगी हमने एल सी को बैठा लिया ठीक है जब भी आ जाए इसका लॉक ऊपर से नीचे कर दें ये जो इसकी छोटी सी ब्रैकेट सी होती है आपने इसको लॉक को नीचे कर देना तो एल सी डी को हमने बैठाने के बाद हमने एल सी टी को बड़े ही प्यार से दोबारा उसको उसकी जगह पे रख देना है ठीक है जी अच्छा अब हम करेंगे जी फोर इसके जो स्क्रूज़ हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो हम लगा देंगे एल सी डी को ब्रैक उसके बाद इसको साफ़ करेंगे और आपको आगे अगला प्रोसीजर दिखाते हैं अच्छा ये फोर स्क्रू पड़े हुए हैं इसके अच्छा डिजिटाइज़र का खास ख्याल रखना है क्योंकि इसकी केबल आपको पता है सारा अटैच है तो उसका खा, उसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है ये हमने बैटरी हमने अटैच कर दी ठीक है जी और सफ़ाई करके हमने इसका सारा बढ़ा लिया ठीक है जी ये हमने बैठा लिया अब सबसे पहले हम इसको क्लीन करने से पहले इसको एक दफा चेक करेंगे ऑन करके ठीक है हमने इसको ऑन कर लिया ठीक है जी अब हम चेक करते हैं जी बिल्कुल सही चल रहा है ये आपके सामने हमारा ये डिटाइजर बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है बस हमने इसको अब इसको इसका जो इसके जो फ्रंट का जो जो पेज है ये वाला यानी कि इसका जो प्रोटेक्टर है उसको पील ऑफ कर लेना है और इसकी बैक साइड का पील ऑफ करके ये सेवन थाउजेंड हम ग्लू लगा देंगे और ग्लू लगाने के बाद इसको चौबीस घंटे के लिए हम रख देंगे ठीक है उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरे चैनल गो टेक न्यू ड्रैबल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लाइक करें शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी तो मुझे नहीं इजाज़त मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज